कांग्रेस पार्टी ने यात्रा को एक बड़ा ट्रेडमार्क जो है वो बना लिया है। पिछले साल जब राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर ज्यादा यात्रा, उसके बदलाव में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा रिस्पांस देखा और अब कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जहां जहां चुनावी राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर यात्रा की प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बार फिर से दिल्ली यात्रा की प्लानिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि चुनावी यात्रा निकालने से पहले या चुनाव में यात्रा निकालने से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा फायदा मिलता है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में यात्रा के जरिए कमबैक करना चाहती है। राहुल गांधी की पहली यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बदला था और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की पहली यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें जहां जहां यात्रा गई थी वहां वहां राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, जिसका बड़ा एग्जाम्पल ये था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश को कवर किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्य हार गई, जिससे राहुल गांधी की यात्रा या कांग्रेस पार्टी की यात्रा का कोई इम्पैक्ट जो है धरातल पर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा अगर हम रिसेंट बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 दिन की यात्रा राहुल गांधी निकालते हुए नजर आए थे, जिसमें कई ऐसी विधानसभाएं सीटें थी जहां पर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए पार्टी के लिए प्रचार किया था, लेकिन उन विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी हार गई और उस यात्रा का कोई इम्पैक्ट जो है वो नजर नहीं आया। दरअसल कांग्रेस पार्टी के एक खेमे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की निकाली हुई भारत जोड़ो यात्रा के बाद से यात्राओं का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देश में देखने को मिल रहा है और लोग यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं। बिल्कुल सच्चाई बात है कि जब यात्रा निकलती है तमाम लोगों से मुलाकात तो होती है, लेकिन क्या वो मुलाकात और वो यात्रा का जो लोगों से मिलना है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाता है, ये बड़ा प्रश्न मार्क है। अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनावों में जो मिली हुई हार है उससे यात्रा का कोई इफेक्ट नहीं हुआ और हरियाणा में भी राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी उससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल दिल्ली में होने हैं उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली न्याय यात्रा की प्लानिंग में लगी हुई है। सेम इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पे किया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या तमाम यात्राएं हो, इससे कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक में या सत्ता में आने में कोई फायदा नहीं मिल रहा। सिर्फ यात्रा के जरिए राहुल गांधी को एक मजबूत नेता के तौर कांग्रेस पार्टी पेश कर पाई है। पिछले 1.5 साल में देखा जाए तो जितनी भी यात्राएं निकली हैं वहां से केवल एक ही रिजल्ट निकल के आया है कि राहुल गांधी की छवि जो सोशल मीडिया पे ध्वस्त हो चुकी थी उस छवि को कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने मजबूत बनाया है और अब कहीं ना कहीं देश की जनता राहुल गांधी को एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पे देखती है और इस यात्रा से केवल राहुल गांधी का फायदा तो हो रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी का फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले अब यात्रा निकालने की दिल्ली में तैयारी चल रही है, जिसको 8 तारीख से शुरू किया जाएगा और दिल्ली के राजघाट से यात्रा जो है वो शुरू होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में इस वक्त मौजूद है। 10 साल पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस को सफाया करके अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया था और अब कांग्रेस पार्टी अपनी उस यात्रा को या अपनी उस सत्ता को कमबैक करना चाहती है, इसीलिए दिल्ली यात्रा की बड़ी प्लानिंग जो है वो कर रही है। लेकिन क्या दिल्ली में यात्रा का मॉडल काम आएगा या नहीं आएगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ट्रेडमार्क फिलहाल कांग्रेस ने अपनी यात्रा को बड़े तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है।